से आपका स्वागत है। और एक मशहूर गाना जो हम बरसों से गाते जा रहे हैं और अपने चर्चों में, जिसे जो है संगीत दिया था, लिखा था रेजिनॉल्ड हेबर ने 1783 से 1826 के बीच में, और वह मात्र 16 साल के थे जब एक इंग्लैंड के चर्च में पास्टर हो गए। और जो है प्रभु को उन्होंने जाना और इंग्लैंड के ही एक एंग्लिकन चर्च में जो है वो असिस्टेंट पास्टर के रूप में काम करने लगे। और हेबर ने बहुत सारे गीतों को जो है लिखा, और जो है उनकी एक खासियत ये थी कि हेबर हमेशा सोचते थे कि जब भी प्रभु के नजदीक जाते हैं तो हमें अपनी अपवित्रता का, अपने अज्ञानता का बोध होता है। और हेबर को जो है एक बिशप के रूप में कलकत्ता भारत में भी आमंत्रित किया था। सो उनका ऐसा विचार था कि चाहे कलकत्ता में रहे चाहे इंग्लैंड में रहे, लेकिन वे जो है हमेशा जो है उन देवी देवताओं से घिरे रहेंगे जो अन्य जाति से हैं। सो हेबर को इस बीच प्रभु की पवित्रता, और विशेष करके उन्होंने लिखा कि सिर्फ तेरा नाम महापवित्र है, और ये जो मशहूर गीत था इसको विश्वास वचन के आधार पर भी जो है एक्सेप्ट किया गया। और जो है 300 साल से ये गीत चर्चों में आज भी आराधना का एक महत्वपूर्ण गीत है। सो आए सुने इसकी ओरिजिनल धुन यहोशुआ से गिटार पर और सारा से जो है पियानो पर। Kripa Sadhu Swami
Show you his favor and give you his peace.